प्रेमी से ही शादी करने की जिद पर अड़ी भोली की युवती अपने मकसद के लगभग करीब पहुंच गई है। शनिवार को पुलिस सुरक्षा में वो 164 के बयान के लिए कोर्ट पहुंची थी। 164 में उसका बयान हुआ। इस बीच लड़का और लड़की के परिवार वाले भी कोर्ट परिसर में पहुंचे हुए थे। दोनों परिवारों ने आपस में विचार विमर्श किया, तय हुआ कि शादी करा दी जाए। लड़के के फूफा भोगन महतो की माने तो दोनों पक्ष शादी को राजी है। लड़का भी तैयार हो गया है, पहले विरोध कर रहा था लेकिन समझाने बुझाने के बाद मान गया। सिर्फ तिथि तय नहीं हुई है, तिथि तय कर जल्दी दोनों की शादी करा दी जाएगी। शादी का मैंने बात जो है एग्री हुआ, दोनों पार्टी शादी होगा लेकिन डेट फिक्स नहीं हुआ, तो वही डेट फिक्स करने के लिए अभी थोड़े फिक्र प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके। अच्छा, इतना देर ये कोर्ट में जो मामला है, ये आखिर लड़का राजी नहीं हो रहा था क्या इस शादी करने के लिए? हाँ, लड़का राजी नहीं हो रहा था, उनको देखिए समझा करके बोला गया, कोई भी किसी भी चीज़ को प्यार से समझाइएगा तो समझा, उसी तरह देखिए समझा लेकिन थोड़ा लेट से समझा जिसके वजह से। लेकिन अब जो है मामला जो है सब साफ है, अब लड़का राजी है शादी करने के लिए। लड़का राजी है शादी करने के लिए, फैमिली दोनों तरफ के राजी हो गए, लड़का पार्टी भी लड़की पार्टी दोनों रेडी, सिर्फ डेट बाकी है। बस डेट अभी लिया मैं, डेट माने फिर देखो क्या ना। इधर प्रेमी से ही शादी करने की जिद पर अड़ी युवती की चर्चा कोयलांचल के हर जुबान पर है। लोग इस मामले को अपने अपने ढंग से बयां कर रहे हैं। प्रेमी की बेवफाई से नाराज धनबाद की भोली की रहने वाली युवती 3 दिनों तक राजगंज के महेशपुर गांव स्थित प्रेमी उत्तम महतो उर्फ उत्तम पटेल के घर के बाहर इस कड़ाके की ठंड में धरने पर बैठी रही। प्रेमी तो नहीं आया लेकिन लगभग 60 घंटे के बाद पुलिस ने युवती को बलपूर्वक उठाकर बाघमारा के महिला थाना में भेज दिया। युवती का कहना था कि वो उत्तम से शादी के बाद ही धरना तोड़ेगी। शनिवार को पुलिस ने युवती का 164 के तहत कोर्ट में बयान दर्ज करवाया। पुलिस युवती को लेकर कोर्ट पहुंची थी। उधर शुक्रवार को पीड़िता के गांव की ही महिलाएं महेशपुर गांव स्थित आरोपी के घर पहुंची। कुछ महिलाओं ने घर में मौजूद आरोपी की बहनों को बाहर निकाला और फजीहत की। आक्रोशित महिलाओं का कहना था कि उत्तम के घर वालों को पूरे मामले की जानकारी थी, बावजूद युवती को परेशान किया गया। लड़के के परिवार के सभी लोग इस कुकृत्य में शामिल हैं। हल्ला हो रहा था कि लड़के के घर वालों ने साजिश के तहत लड़की को पुलिस के हवाले किया है। इधर प्रेमी बनकर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने की शिकायत पर राजगंज में आरोपी उत्तम महतो सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लड़की की शिकायत है कि उत्तम ने विवाह का प्रलोभन देकर 4 वर्षों से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और अब शादी से इनकार कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में आरोपी और उसके परिजनों का संरक्षण है। युवती इस कड़ाके की ठंड में लगातार 3 दिनों तक प्रेमी के घर के बाहर धरने पर रही। गांव वालों को दया आई तो आग का प्रबंध किया, ठंड से बचाव के लिए कंबल दिए, खाने के लिए भोजन दिया। इतना सब हो जाने के बाद भी युवती अपने निर्णय पर अडिग रही। देखना है इस मामले में आगे होता क्या है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।